कंग जी, क्या लग रहा है इस बार आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, सामने किसको चुनौती मान रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये जो चुनाव है ये देश की डेमोक्रेसी को बचाने का इलेक्शन है और संविधान पे जो खतरा मंडरा रहा है जी। जो बीजेपी को उसको ख़त्म करना चाहती है उसको बचाने का इलेक्शन। और पंजाब के लोग तो वो हैं जो हमेशा देश पे जब भी कोई विपदा आई है पंजाब के लोगों ने हमेशा बढ़ चढ़ के उस विपदा के सामना भी किया है और देश को मजबूत भी किया है। और आज पंजाब के लोग मन बना चुके हैं कि 13 सीटें जो है आम आदमी पार्टी की झोली में डालेंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी दावा यही है कि 13-0 तो होगा जो आम आदमी पार्टी कह रही है, लेकिन 13-0 उनके लिए नहीं कांग्रेस के लिए होगा। देखिए, कांग्रेस है भगौड़ों की जमात, जो संगरूर से थे पहले वो आ गए हैं अब अनंतपुर साहब संगरूर में, क्योंकि वो इतने बदनाम हो चुके हैं, 7% के नाम से जाने जाते, PWD मिनिस्टर रह चुके हैं। और जो इनके राजा वड़िंग थे प्रेसिडेंट, वो बठिंडा के हैं, वो लुधियाना से लड़ रहे हैं। और जो अनंतपुर साहब से पिछली बार MP रहे हैं कांग्रेस के, वो चंडीगढ़ से लड़ रहे हैं। अनंतपुर साहब के लोगों को कांग्रेस ने हमेशा से धोखा दिया है, 3 बार इन लोगों को MP बनाया है, 3 बार वो एरिया बदल के चलो, तो इन ये तो रेस में ही नहीं है, कहीं भी नहीं। मतलब ये मुद्दा है कि यहाँ से चुनकर भेजती है जनता और वो फिर कई अगले बार दूसरी जगह चले जाते हैं। हाँ। क्योंकि वो लोगों का सामना करने से कतराते हैं और वो इतनी करप्शन और इतनी लूट सूट करते हैं कि दोबारा लोगों में जाने के लायक नहीं रहते, इसलिए कांग्रेस के लोग एरिया बदल लेते हैं। ये भी मजबूती थी कि 9 विधानसभा में से 7 आपके पास थी, ये भी मजबूती थी या आपकी तरफ से और क्या मुद्दे थे? लोगों में हमने कुछ गुस्सा भी देखा कि विकास जैसा होना चाहिए था वैसा विकास नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, 2 महीने से हम घूम रहे हैं, लोगों में इस बात को लेकर बड़ी संतुष्टि है कि भगवंत मान जी की सरकार ने 90% लोगों को बिजली फ्री दी है, जिससे हर घर का 5-7 हज़ार रुपये बचा है। लोगों को नहरी पानी किसानों के दिया है, निर्विघ्न जो बिजली दी है किसानों को, उससे किसानों का 2-2.5 लाख रुपये साल का बचा है। 43,000 नौकरियाँ सरकारी दी हैं भगवंत मान की सरकार ने, कोई एक आरोप नहीं है किसी तरीके से, किसी रिश्वत का नहीं है, किसी तरह करप्शन का नहीं है, तो पूरी ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट दी है, उसको लेकर परफॉर्मेंस पे लोग वोट कर रहे हैं और देश के संविधान को लेकर बचाने के। आपकी सीट को लेकर आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या लग रहा है आपको, दूसरा कि पूरे पंजाब को लेकर और देश में क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? इंतजार तो हम करेंगे लेकिन आंकलन करवा लेते हैं। देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, पिछले 2 महीने से हम घूम रहे हैं, जिस तरीके से मुझे आशीर्वाद मिला श्री आनंदपुर साहब के लोगों का, ये तो बड़ा स्पष्ट है कि ये श्री आनंदपुर साहब के लोग ना तो कांग्रेस को वोट डालेंगे, ना भाजपा की नफरत की राजनीति को एक्सेप्ट करेंगे, ना वो कांग्रेस और अकाली दल को जो पंथ और पंजाब से गद्दारी करता रहा है, तो आम आदमी पार्टी की झोली में लोग डालेंगे और बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। देश में इस बार इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी, क्योंकि मोदी जी के राज में बहुत बेरोजगारी महंगाई बढ़ी है, लगातार करप्शन बढ़ा है, लोग ऊब चुके हैं और मोदी जी की भी छुट्टी करेंगे।